फ्राइडे को एक बहुत महंगी और अवेटेड मूवी आने वाली है जो कि है ब्रह्मास्त्र। इस मूवी के रिलीज में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आज हम इस मूवी के रिलीज से पहले इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौन से रीजंस की वजह से ये मूवी सुपर हिट हो सकती है और कौन से रीजंस इसे एक सुपर फ्लॉप मूवी बना सकते हैं, सबके सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बजट की। जैसा कि आप सबको पता है मूवी एक फैंटेसी और मिस्टिकल है, तो जाहिर सी बात है VFX का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां तक मैंने ट्रेलर से और बाकी सारे वीडियोस में देखा है VFX का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है ऐसा लगता है। अब VFX जितना अच्छा होगा पैसे भी उतने ही अधिक खर्च होंगे, जिसकी वजह से मूवी की ऑल इन ऑल कॉस्ट सोर्सेस के हिसाब से 410 करोड़ हो गई है। अब इस मूवी को सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए 500 करोड़ के करीब की कमाई तो करनी होगी। अब बढ़ते हैं उन रीजंस की तरफ जो इस मूवी को सुपर हिट बना सकती है। पहला रीजन तो ऑफ कोर्स इस मूवी की कहानी होने वाली है। कहानी में जितना दम होगा मूवी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी और ऑडियंस को पसंद आएगी। और ट्रेलर को देख के लगता है कहानी तो इनके पास अच्छी हो सकती है, मगर देखना यह है कि इस कहानी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बड़े स्क्रीन पर। दूसरा रीजन होगा इस मूवी का कास्ट और VFX। दोस्तों अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा जब फिल्में एक्टर्स के नाम से ही सुपरहिट हो जाती थी। आजकल के फिल्मों में एक्टर्स की एक्टिंग देखी जाती है, वो ऑडियंस को कितना मूवी से कनेक्ट रख पा रहे हैं ये देखा जाता है। VFX की बात करें तो इंटरनेट और हॉलीवुड सिनेमा का इंडिया में जितना पहुंच हो चुका है, लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जैसा कि मार्वल और DC की मूवीज होती है। लोग वैसे ही सुपरहीरो काइंड ऑफ मूवीज एक्सपेक्ट करने लगे हैं और ब्रह्मास्त्र इसे कैसे डील करती है ये देखना दिलचस्प होगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी के कैरेक्टर्स। ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी जो कि भगवान और उनके शक्तियों पर बेस्ड होने वाली है, ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। लोगों को क्यूरियस भी करती है कि ये फिल्म कैसे भगवान से जुड़ी शक्तियों को आज के हाईटेक जमाने में दिखाएगी। ये एक प्लस पॉइंट के साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। अब उन रीजंस की तरफ चलते हैं जो इस फिल्म की लुटिया डुबो सकती है। पहला रीजन ऑब्वियसली #BoycottBollywood है, जिसके चलते कई मूवीज रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, लाइगर, बच्चन पांडे, एक विलियन रिटर्न, सबके सब इसका शिकार हो चुके हैं। ऑडियंस के बायकॉट का मतलब सब मूवीज का बायकॉट नहीं है, ऑडियंस रिपीटेड और लो क्वालिटी स्टोरीज मूवीज का ही बायकॉट कर रही है। अगला रीजन है लोगों के सेंटीमेंट्स। जैसे जैसे जमाना फास्ट और एडवांस हो रहा है इसका असर मूवीज में भी देखा जा रहा है, जो बड़ी आसानी से और बिना सोचे समझे लोगों से जुड़ी आस्था और सेंटीमेंट से खेल रही है। अभी हाल ही में आपने माता काली के रूप में एक पोस्टर देखा होगा जिसमें एक महिला सिगरेट पी रही थी। ये खबर काफी सुर्खियों में था, लोगों ने भी इसका खूब विरोध और बहिष्कार किया। तो अगर ब्रह्मास्त्र को बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी बनना है तो इन सबसे बचना होगा और लोगों से जुड़ी आस्था का सम्मान करना होगा। ये लास्ट रीजन है मगर बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन है। ब्रह्मास्त्र मूवी एक सुपर हीरो जॉनरा पर है जो कि बॉलीवुड में अभी तक अच्छे से यूज और हैंडल नहीं किया गया है। एक क्रिस को छोड़ दे तो कोई भी मूवी इस जॉनरा में उस हिसाब से कमाई और पॉपुलरिटी नहीं गेन कर पाई है। हालांकि मिन्नल मुरली भी एक सुपर हीरो मूवी थी और हिट भी रही, मगर उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। सेकेंडली वो एक साउथ इंडियन मूवी थी, मगर ब्रह्मास्त्र एक बॉलीवुड मूवी है। और एक बात, सुपर हीरो मूवी में लव स्टोरी ज्यादा मैटर नहीं करता, मगर बॉलीवुड के ज्यादातर फिल्मों में लव स्टोरी ही होती है। तो उम्मीद है ब्रह्मास्त्र में इसका भी ध्यान रखा गया होगा। अब रीजंस तो बहुत हैं, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट और बिग रीजंस थे तो मैंने इन्हें आपको बताने की कोशिश की है। खैर अब जब मूवी 9 सितंबर को रिलीज होगी तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। आपके पास भी कुछ रीजंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।